तो दोस्तों WPL के 15वें मुकाबले में यूपी वॉरियर्स टीम ने बड़ा उलटफेर करते हुए मुंबई इंडियंस को रोमांचक मैच में 5 विकेट से हरा दिया, जहां यूपी की टीम को आखिरी के 6 गेंदों पर 5 रनों की जरूरत थी। तो दोस्तों आपको इस मैच का पूरा हाईलाइट वीडियो दिखाने जा रहे हैं, लेकिन दोस्तों उससे पहले आप सभी को क्या लगता है स्मृति मंधाना और हरमनप्रीत कौर में सबसे बेहतर कप्तान कौन है, नीचे कमेंट करके हमें जरूर से बताइएगा। दोस्तों IPL का 15वां मुकाबला आज मुंबई के DY पाटिल स्टेडियम में खेला गया, जहां पर यूपी की टीम ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला लिया। वहीं मुंबई इंडियंस की ओर से मैथ्यूज और भाटिया पारी की शुरुआत करने के लिए मैदान पर उतरी, जहां भाटिया 5वें ओवर में 7 रनों के स्कोर पर पवेलियन लौट गए और इसके बाद नट सीवर भी 5 रन, वहीं हेनली मैथ्यूज भी 35 रनों के स्कोर पर पवेलियन लौट गए। हालांकि कप्तान हरमनप्रीत कौर ने 25 रनों का योगदान जरूर दिया, वहीं वोंग ने भी 32 रनों की पारी खेली और इसी बीच बड़ी पारी पार्टनरशिप नहीं होने के कारण मुंबई इंडियंस की पूरी टीम 20 ओवर में 127 रनों पर ही सिमट गई। वहीं यूपी वॉरियर्स टीम की ओर से एक्लेस्टोन ने 3 विकेट, गायकवाड़ और दीप्ति शर्मा ने 2-2 विकेट अपने नाम किए। 128 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी यूपी वॉरियर्स टीम की शुरुआत खराब रही, जहां 6वें ओवर तक 27 रनों पर 3 विकेट गिर चुके थे। इसके बाद ताहिला मेघरात और ग्रास हैरिस ने मिलकर यूपी की टीम को संभाला और इन दोनों के बीच 4वें विकेट के लिए 44 रनों की साझेदारी हुई। इसके बाद ताहिला मेघरात 38 रनों के स्कोर पर आउट हो गई। यहां से यूपी की टीम थोड़ी संकट में नजर आ रही थी, लेकिन दोस्तों इसके बाद ग्रास हैरिस और दीप्ति शर्मा ने मिलकर फिर से साझेदारी बनाई और 5वें विकेट के लिए इन दोनों ने 34 रन जोड़े और उसके बाद ग्रास हैरिस भी 39 रनों के स्कोर पर पवेलियन लौट गई और यूपी की टीम बहुत ज्यादा मुश्किल में नजर आ रही थी। हालांकि दोस्तों यूपी की टीम को आखिरी के ओवरों में 6 गेंदों पर 5 रनों की जरूरत थी, वहीं पहली गेंद डॉट हो गई और उसकी दूसरी गेंद भी डॉट हो गई। अब यूपी की टीम को 4 गेंदों पर 5 रनों की जरूरत थी और अगली गेंद पर एक्लेस्टोन ने छक्का लगाकर यूपी वॉरियर्स टीम को ऐतिहासिक जीत दिला दी। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।